मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास फोर्थ यूनिट एट चैप्टर हमारा बुक्स को पढ़ेंगे। बुक्स जो आप सभी अपने अपने स्कूलों में पढ़ते हो, तो चलिए पढ़ते हैं बुक्स। ये हमारी एक छोटी सी पोयम है बुक्स। चलिए एक बार मैं इसको आपको पढ़ के बता देती हूँ। छोटी सी पोयम है हमारी ये। कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर। आई ओपन्ड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द स्लीव्स। लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय थेमसेल्व्स। आई ओपन्ड वन अप एंड सेट डाउन टू लुक। द पिक्चर टोल्ड स्टोरीज। व्हाट अ वंडरफुल बुक्स। तो ये हमारी छोटी सी पोयम है बुक्स। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर। जो लाइब्रेरी होती है ना, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, तो लाइब्रेरी का डोर बोल रहा है कम इन, अंदर आओ, अंदर आओ। आई ओपन्ड इट वाइड, तो मैं उसको खोलता हूँ, डोर को, दरवाजे को मैंने वाइड ओपन किया। मतलब वाइड मीन्स होता है चौड़ा, मतलब चौड़ा करके खोलना, उसको पूरा खोलना। तो आई ओपन्ड इट वाइड, मैंने उसको ओपन किया। एंड सॉ बुक्स गैलोर। गैलोर यहाँ पर एक नया वर्ड आया है। गैलोर का मतलब होता है वैसे प्रचुर मात्रा में, मतलब काफ़ी सारी मात्रा में, बहुत सारी जो चीज़ें, बहुत सारी हमको एकदम दिखती है ना, उसको हम बोलते हैं गैलोर। तो लाइब्रेरी में बुक्स तो बहुत सारी होती है, तो इसलिए यहाँ पर गैलोर शब्द का यूज किया है। तो एंड सॉ बुक्स गैलोर, मैंने वहाँ क्या देखी, बहुत सारी, बहुत काफ़ी मात्रा में बुक्स देखी। टॉल स्किनी बुक्स, टॉल मीन्स लंबी, स्किनी मतलब होता है, यहाँ पर ये भी नया वर्ड है, स्किनी मतलब होता है हमारा पतला। कैसी बुक्स देखी मैंने, पतली बुक्स देखी। लाइब्रेरी में तो हर टाइप की बुक होती हैं, पतली, छोटी, मोटी, है ना, सब टाइप की बुक्स होती है। तो इसने क्या देखी है, लंबी और पतली बुक्स देखी। अप हाई ऑन द स्लीव, मतलब जो अलमारी रहती है इसकी, जो स्लीव है ये देखिए, सबसे ऊंची स्लीव पर उसने, अप हाई ऑन द स्लीव। लिटिल फैट बुक्स, छोटी बुक्स देखी और मोटी बुक्स देखी। दैट स्टूड बाय थेमसेल्व। स्टूड मतलब हुआ होता है खड़ा होना या खड़ा हुआ, और थेमसेल्व मतलब स्वयं, अपने आप। तो जो कई बुक थी जो ऊपर रखी हुई थी, मोटी पतली बुकें, वो कई अपने आप खड़ी हुई थी, अपने आप रखी हुई थी। आई ओपन वन अप, मैंने एक बुक को ओपन किया। एंड सेट डाउन टू लुक, और बैठ गया, जैसे ये बच्चा देख रहा ना आप, आराम से ये बैठ गया और बुक को देखने लगा। द पिक्चर टोल्ड स्टोरीज। टोल्ड मतलब होता है मुझे बताया या मुझे बताना कि इसमें इतनी अच्छी स्टोरीज थी। व्हाट अ वंडरफुल बुक, इस बहुत अच्छी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि इसमें जो पिक्चर थी वो बहुत अच्छी थी, अद्भुत थी। मतलब इसको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगा, उसमें जो पिक्चर्स थी वो भी इसके लिए बहुत अद्भुत और बहुत अच्छी थी। ये हमारी छोटी सी पोयम है। इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं हम। लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय, हिंदी में लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। वाइड मीन्स चौड़ा, गैलोर मतलब बहुत सारी, स्किनी मतलब पतला, स्लीव्स मतलब जो खाने बने रहते हैं ना अलमारी में, उसको बोलते हैं स्लीव्स। वंडरफुल मतलब आश्चर्यचकित, है ना। तो ये हमारी इस तरह पोयम हुई। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग इज फन। व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, लाइब्रेरी का जो दरवाजा है वो क्या कह रहा था, तो इसका आंसर हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, मतलब लाइब्रेरी का दरवाजा क्या कह रहा था। तो लाइब्रेरी का दरवाजा क्या बोल रहा था, द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन। लाइब्रेरी का दरवाजा बोल रहा था अंदर आओ, अंदर आओ। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द बुक्स इन लाइब्रेरी लुक लाइक, मतलब जो लाइब्रेरी की बुक्स थी उनको क्यों पसंद करते थे, मतलब। तो द बुक्स इन द लाइब्रेरी वेयर टॉल स्किनी लिटिल एंड फॉर्ट। जो लाइब्रेरी की जो बुकें थी वो कैसी थी, तो वो कैसी थी, लंबी थी, पतली थी, और छोटी थी और मोटी थी। व्हाट डिड द चाइल्ड इन द पोयम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर। जो पोयम है उसमें बच्चे को मतलब पिक्चर क्यों पसंद आई थी, बिकॉज द चाइल्ड इन द पोयम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर बिकॉज दे टोल्ड स्टोरीज। उसमें बहुत अच्छी स्टोरीज थी। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, व्हाट वर्ड साइन हैव यू सीन और हार्ड। एट होम, तो गेट इन, है ना,
At the vegetable shop, how much for this? At the library, we silence. मतलब यहाँ पे हमको लिखना है कि जो at home है तो उस पर हम लिख दरवाजे के वहाँ लिखा होता ना get in, तो उस तरह पे हमको at the vegetable shop पे क्या लिखा रहता है, तो how much for this. फिर थर्ड है एट द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा क्या लिखा रहता है, बी साइलेंट, कीप क्वाइट, है ना, चुपचाप बैठो, साइलेंस प्लीज़. और एट द डॉक्टर प्लेस, डॉक्टर प्लेस पे हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा रहता है, डोंट स्मोक. फिर एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप पे लिखा रहता है कम इन क्यून, मतलब लाइन में खड़े हो. एट द टॉय शॉप, टॉय शॉप पे क्या लिखा रहता है, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए. फिर है डू यू लाइक द रीडिंग स्टोरी बुक, क्या आप स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करते हो. यस ऑफ कोर्स, आई सब भी पसंद करते होंगे. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू लाइक, आपको किस तरह की स्टोरीज पढ़ना पसंद है. तो कॉम, किसी को कॉमिक्स पसंद है, किसी को लाइट टाइटन, किसी को एस्ट्रिक्स, मतलब जो भी पसंद है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं. किसी को फेरी वाली, परी वाली, तो किसी को फनी बुक्स, मतलब कुछ भी पसंद हो सकती है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर. द वर्ड गैलोन मीन्स इन ग्रेट नंबर्स, गैलोन मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, यहाँ पर नंबर्स. डू यू आल्सो हैव अ क्लास लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स, कैन यू बोरो बुक्स. तो यस वी हैव अ क्लास लाइब्रेरी एज वेल एज अ स्कूल लाइब्रेरी, आई कैन बोरो बुक्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम. फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, मेक वर्ड्स फैमिलीज, द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज़ बीन राइटन फॉर यू. तो जैसे इल लिखा है तो ये रामिंग वर्ड्स टाइप के हैं, तो हमको इसको लिखना है. जैसे इल है तो इसका वेल, सेल, बेल, स्पेल, इस टाइप से हम लिख सकते हैं. टेल, फिर एल का है टेल, मेल, ट्रेल, रेल. ई का सी, थ्री, बी, ट्री. उक नहीं है, ये लुक है, इसमें एल गायब हो गया, दिख नहीं रहा एल, एल है यहाँ पर. लुक का बुक, लुक, क्रुक, सुक, ब्रुक, ऐसे राइमिंग वर्ड्स हम लिख सकते हैं. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस. जैसे इसमें हमको सेंटेंस यहाँ पर लिखना है, तो इसमें लिखा एन डैश इज अ पैलेस वेयर एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड. तो इस डैश पे क्या आएगा, एन इज पैलेस वेयर एरोप्लेन टेक, जहाँ पर एरोप्लेन टेक ओवर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एयरपोर्ट. क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट. ठीक है, फिर क्या है हमारा, ए इज पैलेस वेयर फूड इज कुक, जहाँ मतलब खाना पकता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, किचन. फिर ए डैश इज पैलेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ, जहाँ पे मतलब लोग जाते हैं, बीमार लोग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हॉस्पिटल. फिर क्या है, ए डैश इज पैलेस वेयर यू कैन बाय थिंग्स, जहाँ हम कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं उसको बोलते हैं शॉप. फिर ए डैश इज अ पैलेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, जहाँ बच्चे स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, स्कूल बोलते हैं, जहाँ बच्चे स्टडी करते हैं. तो ये हमारे छोटी सी पोयम के थोड़े से क्वेश्चन आंसर थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे. आप इनको आओ कॉपी में लिख लीजिए. थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच.